मेरा नाम है फारूक अहमद और मैं यहाँ जनरल मैनेजर की कैपेसिटी में परफॉर्म कर रहा हूँ। विंटरलैंड 2020 में जनवरी में ओपन हुआ पब्लिक के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका थर्ड सीज़न है जो हम पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं। -10 हमारा विंटरलैंड का इनसाइड टेम्परेचर मेंटेन होता है थ्रू आउट द ईयर। हमारा अपना सेल्फ पावर जनरेशन सिस्टम है जो इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हम कस्टमर की फैसिलिटेशन के लिए 100% सैनिटाइज्ड जैकेट्स एंड ग्लव्स इनको प्रोवाइड करते हैं। 1 आवर का एक सेशन होता है। हर सीजन में विंटरलैंड को रीडू किया जाता है। कंसीडरिंग द इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ द कंट्री, हमने इस वक्त जो लॉन्च किया है विंटरलैंड को, इसमें हमने डिफरेंट पैकेजेस को लॉन्च किया है ताकि हर लेवल पे बच्चे और बड़े विंटरलैंड को एंटरटेन कर सकें। हमारे पास हर चीज़ स्नो बेस्ड है। इट्स पाकिस्तान फर्स्ट आइस एंड स्नो पार्क और हम पब्लिक के इतने ज़बरदस्त इंटरेस्ट के ऊपर अब इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं कि अब हमें विंटरलैंड को एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना चाहिए। वो ये रहा था कि पाकिस्तान में जब विंटर वेकेशन या समर वेकेशन आती हैं तो मोस्टली लोग अपर हिल्स की तरफ, कश्मीर, सवात, नारायण कागान की तरफ जाते हैं, जो थोड़ा सा नाउ अ डेज अब डिफ़िकल्ट है। हमारी मैनेजमेंट का एक कंसर्न ये था कि जी हम कराची वालों के लिए कुछ ऐसी एक एक्टिविटी लेके आएँ जिसमें वो विद इन द सिटी रहते हुए उसी एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर को इन्जॉय कर सकें। उस चीज़ को कंसिडर करते हुए हमने इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया और एक सर्टन टाइम पीरियड की स्टडी के बाद हमने इस विंटरलैंड को इस्टेब्लिश किया ताकि कराची और पाकिस्तान की जो आवाम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आइस पार्क को इन्जॉय कर सकें। इनसाइड द आइस पार्क सेवरल एक्टिविटीज अवेलेबल हैं जिसके कोई चार्ज नहीं लेते। हम बड़े और बच्चों की वेजिलेंस के लिए हमारा अपना ट्रेंड स्टाफ है जो उनको टेक केयर करता है। हमारे पास अपना फर्स्ट एड डिवीजन मौजूद है इन केस ऑफ एनी इंजरी। हम पूरी फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को ताकि वो पूरा कवर अप होके यहाँ से जा सकें। यहाँ पे आइस साइकिलिंग है, यहाँ पे मैरी स्नो राउंड है, यहाँ पे 3 टाइप ऑफ स्लाइड्स हैं, यहाँ पे आइस कैफे है और यहाँ पे रियल स्नो फॉल है जो 24 आवर्स कंटिन्यू होती है ताकि आने वाला एक्चुअल स्नो को यहाँ पे एंजॉय कर सकें।